हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं आज आज सब्जेक्ट के और शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ जी हां एक्सप्लेन एच आर एम एंड इट्स फीचर्स बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अगर अंडरस्टैंड करें तो एच यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये हमारे जैसे ही आप जैसे ही मेरे जैसे ही हम सब जैसे पीपल का मैनेजमेंट है लोगों का मैनेजमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज इज टू इंप्रूव इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस यानी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाने के लिए उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट मेकिंग को बढ़ाने के लिए जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का तो उसी को एच कहते हैं एचआरएम के जरिए हम मैन man मैनेजमेंट कर रहे होते हैं एचआरएम कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जहां पर हम प्लानिंग करते हैं हम रिक्रूट करते हैं प्रॉपर कैंडिडेट को सिलेक्शन करते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है और उसे ऊर्जा यानी मोटिवेशन भी दी जाती है कि यार परफॉर्मेंस और जबरदस्त करना है जब वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल भी मिलता है प्रोमोशन दिए जाते हैं कई बार खराब परफॉर्मेंस पर ट्रांसफर भी किया जाता है और कहीं ना कहीं करियर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेस का एचआरएम के जरिए होता है तो कुल मिलाकर इट इज ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स जहां में एक 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 संस्था, में, एक institution में एक पर human beings का management किया जाए, उसी को HRM कहते हैं। दोस्तों और स्टीफन की भाषा में कहें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद पीपल डायमेंशन लोगों के बारे में है, लोगों के दृष्टिकोण के बारे में है इन मैनेजमेंट सिंस एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेड पीपल Acquiring their services, developing their skills, and motivating them.

उसको अलग-अलग कंडीशंस -अलग, uh, में ट्रीट कर रहे हैं ये सारी चीजें एचआरएम में आती हैं तो यार सिलेक्शन से लेकर लगातार निरंतर काम करने तक का पूरा प्रोसेस एचआरएम के अंदर कवर किया जाता है चलिए आज समझते हैं फीचर्स ऑफ एचआरएम जी हाँ कुल मिलाकर के नौ पॉइंट्स का आंसर है आप कोई भी ज्यादा आठ पॉइंट दिमाग में फिट कर सकते हैं क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ एचआरएम और आंसर का नाम क्लाउड आईएमपी क्लाउड आई एम पी क्लाउड आई एम पी सी से कंटिन्यूअस इन नेचर एल से लॉन्ग टर्म बेनिफिट ओ से ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड इसके अलावा यू से यूनिवर्सल एप्लीकेशन और आखिर में दो डी है यहां पर डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज पोटेंशियलिटीज आखिर में आई एम पी के अंदर इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड अ प्रोसेस चलिए एक एक करके बारीकी से सभी पॉइंट को तो समझ लेते हैं

तब तक रहेगा एच आर एम का नाम जी हां देर एक्टिविटीज देर फोर देर इज नीड टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेस ऑन कंटिन्यूस बेसिस सो दैट द एम्प्लॉइज अंडरटेक द एक्टिविटीज विद एप्लीकेशन

आप ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी को तो उसकी नॉलेज बढ़ती है उसका एटीट्यूड उसके स्किल्स और सोशल बिहेवियर में भी बदलाव आता है दस देयर इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली इन द शॉर्ट टर्म बट आल्सो इन द लॉन्ग टर्म तो यार लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में याद रखने का सबका फायदा होता है क्या सबका फायदा होता है क्या सबका फायदा होता है बढ़ते हैं आगे दोस्तों क्लाउड के अंदर ओ से आता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड याद रखिए मकसद बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड काम एचआरएम के अंदर किया जाता है याद रखना है आपको कि अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा कहीं नहीं पहुंचा याद रखना है कि घोड़े को दिशा दिखानी बहुत जरूरी होती है और इसीलिए उसका मालिक जो ऊपर बैठा रहता है ना वो उसको डायरेक्शन देता रहता है उसकी स्पीड बढ़ाने की हमेशा कोशिश करता रहता है एचआरएम प्लेस एम्फोसिस ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मकसद तो एचआरएम का यही है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो ऑर्गेनाइजेशन सफलता प्राप्त करे प्रॉफिट बढ़े ऑब्जेक्टिव्स कैन बी कि इंडिविजुअल की शेयर बढ़े ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़े ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होती हैं और आखिर में सोसाइटल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो समाज का भी भला होना चाहिए सच एज सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज तो इस प्रकार से चारों ही स्टेज पर आप देख सकते हैं कि

it is applicable not only to business organization but also to non business organization as well for instance a non business organization such as a college or university has to implement hrm in order to select ट्रेन एंड मोटिवेट ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीवेक्ट यानी यार कोई भी टाइप की संस्था हो उसे लोगों की अगर जरूरत है तो लोगों को मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है और एच इसी के अंदर आपको समझाती है कि किस तरह से सिलेक्ट करना है ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉइज को और किस तरह से मोटिवेट करते उन्हें आगे बढ़ना है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यूनिवर्सल एप्लीकेशन समझा होगा बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की तो क्लाउड के अंदर दो डी है पहला डी आपके सामने डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरट दोस्तों यहां पर याद रखिए एच एम्स एट

टीम वर्क ब्रिंग्स सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन यानी एक अच्छी टीम होगी ना तो कोऑर्डिनेशन से तालमेल से काम कर पाएंगे और सफलता भी हासिल कर पाएंगे अगला पॉइंट जो डी से आता है वो है वो डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ ऑफ टीम स्पिरिट के बाद पोटेंशियलिटीज यानी कहीं ना कहीं ये जो एच आर एम के फीचर्स हैं जिसमें ट्रेनिंग का समावेश होता है ट्रेनिंग के जरिए एक एम्प्लॉय की काबिलियत में बढ़ोतरी होती है वो और ज्यादा इंप्रूव करता है अपने पोटेंशियल को एच आर एम एम्स डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय पोटेंशियल्स to the maximum possible extent, उसे push करने की आदत होती है वो समझता है कि यार मैं और ज़्यादा कर सकता हूं मैं अपनी limits को push करूंगा तो मैं और बेहतर कर सकता हूं, so that they maximum satisfaction from their job. दोस्तों इसके अलावा अगर बात एम पी की तो क्लाउड आई एम पी के अंदर आई से आता है इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम सब सिस्टम आर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करियर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल प्रकार के इन सब कैटेगरीज एच एचआरएम इस्तेमाल करता है और इन्हें इस्तेमाल करके और डीप इफेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग के लाइफ में बदलाव आता है और उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की सफलता पर पड़ता है तो सब सिस्टम्स का मतलब क्या होता है इन वैल्यूडिशन को भी एच इस्तेमाल करता है जैसे एम्प्लॉज uh, को ट्रेनिंग देना प्रॉपर उनके करियर में ग्रोथ लाना उन्हें प्रमोशन देना ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना उसके प्रॉफिट उसके मार्केट शेयर को बढ़ाना परफॉर्मेंस अप्रेजल देना टाइम टू टाइम ताकि एम्प्लॉय जो है वो प्रगति महसूस कर सके इसके अलावा पोटेंशियल अप्रेजल भी देना की यार इस बंदे में क्षमता है इसको अगर हम वो वाला काम देंगे तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा तो ये पोटेंशियल अप्रेजल होता है और इससे भी फायदा होता है तो यह था इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम इसके अलावा एम से मल्टी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मल्टीटास्किंग की तरह एक डिसिप्लिनरी अप्रोच भी हम थोड़ा सा अच्छा रखें एच आर मैनेजर्स जो हैं वो यूज करते हैं वेरियस डिसिप्लिन टू मैनेज द वर्क फोर्स इफेक्टिवली जैसे कि मैनेजमेंट का एक साइंस साइंटिफिक वे में मैनेजमेंट हो साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए किस तरह से एम्प्लॉय को मोटिवेट कर पाएंगे सोशियोलॉजी समाज हित के बारे में ज़्यादा सोचा जाए कम्युनिकेशन बहुत फेयर ट्रांसपेरेंट और ट्रू रखा जाए Behavior, जो है वो लंबे समय तक टिके रहते हैं दोस्तों इसके अलावा आखिर में बात करें पी से प्रोसेस की तो यार एच आर एम एक प्रोसेस ही तो है प्रोसेस है अबाउट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एच आर एम प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ही सबसे महत्वपूर्ण मकसद है और इसी के लिए काम हो रहा है ट्रेनिंग दी जाती है और मोटिवेट करते हैं मैन पावर को इंश्योरिंग द अ कमिटमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे सभी पॉइंट नौ पॉइंट का आंसर एच आर एम एन इट्स फीचर्स

ज्वाइन कर लीजिएगा आपको यहां पर ढेर सारे रिसोर्सेज तो अलग अलग सब्जेक्ट के भी मिलते रहेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद